वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज मानसी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। सो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, विच इज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सभी हम जानेंगे। इसी के साथ फैटी एसिड का जो मेजर सिग्निफिकेंस होता है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बींग की बॉडी में, या फिर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जितने भी तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही में इसका जो मेजर पाथवे होता है यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, इसके बारे में भी हम अच्छे से आज की वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड आई होप यू विल गेट ऑल द क्लियर पॉइंट्स। इसी के साथ अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए हो तो उस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले फैटी एसिड क्या होता है ये जान लेते हैं। फैटी एसिड सिंपलेस्ट फॉर्म होती है लिपिड की, यानी कि लिपिड की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें कि लिपिड के बारे में, फैटी एसिड्स के बारे में और फैटी एसिड के टाइप्स के बारे में, लिपिड के टाइप्स के बारे में अच्छे से समझा रखा है। तो अगर आप वो देख लें तो और अच्छा होगा, तो आपको फैटी एसिड और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फैटी एसिड का एक कॉमन सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ क्या होता है फैटी एसिड। जैसे कि मैंने बताया लिपिड का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जो कि एक लॉन्ग चेन होती है। फैटी एसिड क्या है, एक लॉन्ग चेन होती है जिसके एक टर्मिनल पे तो प्रेजेंट होता है हाइड्रोकार्बन ग्रुप यानी कि CH3 और एक टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड विद O एंड OH। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है हमारे फैटी एसिड का, जिसके एक टर्मिनल पे हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक टर्मिनल पे CH3 यानी कि हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है। इसके साथ ये चीज भी जाननी जरूरी है कि ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है ये फंक्शनल ग्रुप होता है। तो फंक्शनल ग्रुप के पास वाला जो कार्बन होता है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं और उसी के जस्ट नेक्स्ट में जो होता है इसको हम बीटा कार्बन कहते हैं। अब ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया हमारे फैटी एसिड का। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो फैटी एसिड होता है हमारी बॉडी में कहाँ से आता है। तो जब हम फूड को इनहेल करते हैं यानी कि फूड को खाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ये जो फैटी एसिड होता है ये लिपिड का ही फॉर्म होता है जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होता है। अब जब डाइजेशन होता है हमारे फूड का तो क्या होता है, ये जो लिपिड होता है फैटी एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। अब ये जो फैटी एसिड होगा ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम में कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स के वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसका इमल्सिफिकेशन होता है। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, ये जो फैटी एसिड होता है और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें कि मिसल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो फैटी एसिड का और सिंपल फॉर्म क्या, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फैटी एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोनो ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो मोनोएसाइल ग्लिसरॉल यानी कि हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म जो है फैटी एसिड का, ये यूज किया जाता है एनर्जी बनाने के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है, एनर्जी बनाने के लिए यूज किया जाता है। और इसी पाथवे को हम बोलते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन की हेल्प से, ऑक्सीडेशन प्रोसेस की मदद से मोनोएसाइल ग्लिसरॉल या हम बोले फैटी एसिड से एनर्जी बनती है। अब ये सोचने वाली बात है, हमने तो ये पढ़ रखा है कि जो ग्लूकोज होता है ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। ग्लूकोज एनर्जी बनाती है, एरोबिक और एनएरोबिक दोनों ही तरह के हमने रेस्पिरेशन में देखा हुआ है, तो वहां से तो हमें एनर्जी मिलती ही मिलती है। लेकिन हमारी सेल को फैटी एसिड से भी एनर्जी मिलती है। अब ये जो फैटी एसिड से एनर्जी बनती है ये कब बनती है, तो ये भी जानने वाली बात है। कभी कभी हम फूड नहीं ले पाते हैं यानी कि हम खाना नहीं खा पाते हैं, ज़्यादातर फास्टिंग के दौरान होता है, जब हम फास्ट रखते हैं तो उस टाइम पे हम खाना नहीं खा पाते हैं। तो अब खाना नहीं खाएंगे, ग्लूकोज का प्रोडक्शन नहीं होगा, ग्लूकोज का प्रोडक्शन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनती है। तो इस केस में जो हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर फैटी एसिड होता है ये एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। हमारा जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। उसके बाद ये जो प्रोसेस होता है ये सेल के अंदर होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन सेल में भी कहाँ पर होता है, तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें, क्योंकि सिंपल सेल होती है, इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनल्स वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोसोल के अंदर ही होता है हमारा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन।
जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है काफी अच्छे से वेल डेवलप्ड होती है, सेल ऑर्गेनेल अच्छे से प्रेजेंट होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में ये कहाँ पर होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है, विच इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। ये याद रखना जरूरी है कि यूकैरियोटिक सेल में फैटी एसिड ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। अब उसके बाद हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में क्या प्रोडक्ट बनता है, फिर उन प्रोडक्ट का कैसे यूज किया जाता है। तो जब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो इस केस में मेजरली तीन प्रोडक्ट बनते हैं। क्या क्या बनता है, पहला है एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है, ठीक। उसके बाद NADH2 बनता है और FADH2 बनता है, विच इज एन एनर्जी मॉलिक्यूल। तो अब ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए होता है, आपने देखा होगा ये TCA साइकिल जो होती है, यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल जो होती है, उसमें यूज कर लिया जाता है, और जिसमें कि TCA साइकिल में क्या होता है, CO2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये जो NADH और FADH2 ये होते हैं, ये ETC साइकिल यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइकिल जो होती है, इनके बारे में आपने पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा है तो इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगी। तो ETC साइकिल जो होती है ये उसमें यूज कर लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फैटी एसिड एक्टिवेशन एंड ट्रांसपोर्ट अक्रॉस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कहने का क्या मतलब है कि जो फैटी एसिड होता है आफ्टर एब्जॉर्प्शन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद एसिमिलेशन होता है, जो फैटी एसिड होगा वो पूरे सेल में पहुंचा दिया जाता है। तो ये जो फैटी एसिड होता है ये सबसे पहले सेल के साइटोसोल में जाएगा। साइटोसोल में जाने के बाद क्या होगा, ऑक्सीडेशन होने के लिए फर्स्टली इट हैव टू गो इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, यानी जैसे कि मैंने बताया था कि यूकैरियोटिक में कहाँ होता है ऑक्सीडेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऐसा नहीं है जो फैटी एसिड होता है ये साइटोसोल से डायरेक्ट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, नहीं, ऐसे डायरेक्टली नहीं जाता है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है वो स्ट्रिक्टली इम्परमेबल होती है इस फैटी एसिड के लिए, तो जिसकी वजह से ये साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा सकता है। तो अब कैसे जाएगा, तो इसी को बोला गया है फैटी एसिड एक्टिवेशन एंड देन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि आपको रिएक्शन दिख रही होगी, इसी से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये क्या है हमारा, ये है फैटी एसिड, क्या है ये, फैटी एसिड है, जैसे कि स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया था, एक टर्मिनल पे हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये चेन होती है पूरी, ये आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आगे कितनी भी बड़ी चेन हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हमारा फैटी एसिड है। अब क्या है, फैटी एसिड को एक्टिवेट होने के लिए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए ये बाइंड होता है COA के साथ, यानी कि फैटी एसिड प्लस COA ये दोनों बाइंड होती हैं, और बाइंड होने के बाद ये क्या बनाते हैं, फैटी एसाइल कोएंजाइम बनाते हैं। क्या बनाएंगे, फैटी एसाइल कोएंजाइम। तो कैसे बना, ये पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बस क्या हुआ है, ये OH हटके क्या आ गया है, ये कोएंजाइम ए आ गया है, और ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, यानी कि कोएंजाइम ए और फैटी एसिड के बीच में जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, थायोएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखने वाली चीज है कि इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, थायोएस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन हुआ है। अब ये जो रिएक्शन होती है, यानी कि ये दोनों जो कंबाइन होते हैं, ये किस एंजाइम की मदद से होते हैं, एसआईएल कोएंजाइम ए लाइगेज की मदद से होते हैं, जो कि ये भी इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एनर्जी का काम कौन करता है, ATP करता है, यानी कि ATP कंबाइन होगा इनके साथ, और उसके बाद हमारा फैटी एसिड कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। ATP है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, AMP में कन्वर्ट हो गया। इसका क्या मतलब है कि ATP के दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप इसमें एज ए एनर्जी मॉलिक्यूल यूज किए गए हैं, ये रहा दो यूज किए गए हैं,
ठीक है, तो ये पूरी रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैटी एसिड को एंजाइम ए के साथ मिलेगा, किस एंजाइम की मदद से, एसाइल को एंजाइम लाइगेज की मदद से और एटीपी की मदद से, जिससे कि क्या बनाएगा, फैटी एसाइल को एंजाइम ए बनाएगा और एटीपी किस में कन्वर्ट हो गया, एएमपी में कन्वर्ट हो गया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि ये कौन से बॉन्ड से लिंकअप हुए हैं, थायोएस्टर लिंकेज से लिंक्ड अप हुए हैं। अब क्या होगा, ये जो फैटी एसिड कोएंजाइम ए होता है, ये हो गया हमारा एक्टिवेट, यानी कि ये इनएक्टिवेट फॉर्म में था अगर हम आसान भाषा में समझे, और अब ये हो गया है एक्टिवेट, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन यहाँ पर भी फैटी एसाइल कोएंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिए अब भी इम्परमिएबल होता है, तो इस केस में क्या होगा ये और देखते हैं। अब हमने ये देखा कि फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन हो गया, वो क्या है, ये रहा। अब क्या होता है, ये फैटी एसाइल कोएंजाइम ए ये भी अभी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नहीं जा सकता, क्योंकि ये भी इम्परमिएबल होता है। तो कैसे ट्रांसफर होता है, ये इस पाथवे से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये आउटर मेम्ब्रेन का एरिया है पूरा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर का एरिया, या हम कह सकते हैं साइटोसोल का एरिया। अब उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन होती है, ये इनर मेम्ब्रेन दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का, और इसके बाद हमारा मैट्रिक्स पार्ट दिया हुआ है, ये पूरा मैट्रिक्स पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब क्या होता है, ये जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए हमारे साइटोसोल में बन तो चुका है फैटी एसिड से, लेकिन ये ट्रांसफर कैसे होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें प्रोटीन हम बोले रोल प्ले करती है, जिसका नाम क्या है, कार्निटिन प्रोटीन। तो ये एज ए व्हीकल की तरह वर्क करती है, व्हीकल यानी कि फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाने का काम करती है, बस इसका यही काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। तो कार्निटिन क्या करेगी, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को अपने पास, यानी कि अपने पास रख लेगी, किस एंजाइम की मदद से, कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज वन एंजाइम की मदद से। ये एंजाइम किसमें, सेल के साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। इतनी चीज क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये इसके साथ मिल जाएगा तो क्या बनाता है, फैटी एसाइल कार्निटिन बना लेता है। अब फैटी एसाइल कार्निटिन बन गया, यानी कि कार्निटिन के साथ फैटी एसाइल कोएंजाइम ए कंबाइन हो गया है। अब ये परमिएबल हो चुका है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए, तो क्या होगा, अब ये ट्रांसफर हो जाएगा हमारे इनर मेम्ब्रेन एंड देन मैट्रिक्स में ये फैटी एसाइल कार्निटिन ट्रांसफर हो गया। अब जो इसका काम था, यानी कि जो कार्निटिन का काम था फैटी एसाइल को ले जाना मैट्रिक्स के अंदर, ये इसका काम हो चुका है। अब इस कार्निटिन का मैट्रिक्स के अंदर कोई भी काम नहीं होता है, तो अब क्या होगा, ये जो कार्निटिन है ये फैटी एसाइल कोएंजाइम ए से अलग हो जाएगा, किस एंजाइम की मदद से, यहाँ मैंने ये लिखा नहीं है, इसका क्या नाम है, कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज टू, यानी कि नेम सेम है, बस ट्रांसफरेज फर्स्ट यहाँ पर काम करेगा, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन में काम करेगा, साइटोसोल में काम करेगा, और इनको अलग करने में कौन काम करता है, कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, कार्निटिन एसाइल ट्रांसफरेज टू यूज किया जाता है। तो अब क्या हो गया, कार्निटिन ये अपना अलग निकल गया और जो फैटी एसाइल को एंजाइम ए था ये हमारा मैट्रिक्स के अंदर आ चुका है। अब क्या होगा, ये जो कार्निटिन है अब इसका कोई काम नहीं है, तो ये दोबारा से अपने स्टॉप पे जाके, यानी कि अपनी जगह पर चला जाएगा और फिर दोबारा से दूसरे फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को लेके आएगा, फिर उसको मैट्रिक्स में ट्रांसफर करेगा। इस तरीके से ये एज ए व्हीकल की तरह वर्क करता है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए के लिए। तो अब ये फैटी एसाइल कोएंजाइम ए हमारा किसके अंदर आ चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर आ चुका है। अब ये ऑक्सीडेशन के लिए तैयार हो चुका है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, मैट्रिक्स के अंदर फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा, जो मेन मोटिव हम पढ़ रहे हैं। तो हम जान चुके हैं फैटी एसिड कैसे मिलता है और कैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर होता है फॉर द बीटा ऑक्सीडेशन। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम काफी अच्छे से जानेंगे कि फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन आखिर कैसे कैसे होता है, टोटली 4 स्टेप्स में होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो इसमें उसमें जानेंगे अच्छे से डिटेल में।